अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मेरी 4 से 5 वीडियोस वॉच कर ली हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिस्ट भी तैयार कर ली है। पिछली वीडियो में मैंने DA DR फाइंड करना भी सिखा दिया है और मैंने AHREF का भी आपको बता दिया कि वो पेड टूल है। और अब हमने एक जो आज का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेस्ट पोस्टिंग में, ठीक है, कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से लिंक्स होते हैं और ये कितने जरूरी लिंक्स होते हैं गेस्ट पोस्टिंग में। क्लाइंट जब भी हमारे पास आएगा वो बोलेगा कि मुझे ऐसी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवानी है जो कि डू फॉलो लिंक देती है, तो इसलिए डू फॉलो लिंक्स हमने कैसे फाइंड करना है कि कौन सी वेबसाइट डू फॉलो लिंक दे रही है और कौन सी नहीं दे रही। देखिए, मैंने आपकी खातिर 1-2 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया पहली वीडियो में, मेरा एक और चैनल था जो के जिसका एडिशन ब्लॉक हो चुका हुआ है और उसके ऊपर भी मेरा अपग्रेडेड कोर्स था लेकिन उसको मैंने डिलीट कर दिया। ये मैंने न्यू चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया क्योंकि आप लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे थे, तो ये मैंने 2 दिन लगा के कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड किया है, तो इसको आपने लाजमी वॉच कर ले। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फायदे हैं, मैं इतने डीपली आप लोगों को समझा रहा हूँ। जिस चीज की समझ ना लगे आप लोगों ने सिर्फ कमेंट कर ले, आपके लिए मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब और देखते हैं कि ये डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से लिंक्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, ये एक लिंक पहला है डू फॉलो लिंक। कौन सा? डू फॉलो लिंक्स। ये डू फॉलो लिंक्स आकर कौन से लिंक्स होते हैं? देखें, मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट ए है, ठीक है, ये वेबसाइट ए है और ये वेबसाइट बी है। मैंने बोला था ये फर्ज कर लो हमारे क्लाइंट्स है और ये हमारे एडमिन की वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट ने अपना जो लिंक है वो इस वेबसाइट के ऊपर लगाना है। मैंने क्या बोला था, जब ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर आएगी, ये वेबसाइट गूगल पर पहले क्या कर रही है, रैंक कर रही है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि ये वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही, क्यों? क्योंकि इसकी ट्रैफिक ज़्यादा, इसका DA DR 25+ है, ठीक है। अब जब जो ट्रैफिक इसकी है, ये अपना एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करेगा, उसमें लिंक लगवाएगा, ठीक है। जैसे जो लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये भी आपका मैंने पॉइंट क्लियर किया था कि ये अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो इसकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, ठीक है। लिंक यहाँ पर लगा हुआ है इसकी वेबसाइट पर, इसने अपना लिंक यहाँ पर लगाया। अब इस लिंक पर जिन लोगों ने क्लिक किया वो इधर आ गए तो वो डू फॉलो लिंक होगा। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ चुके होंगे, मैं और इजी मेथड से समझा देता हूँ। फर्ज कर लो एक वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट के साथ अपना लिंक लगवा दिया, ठीक है। अब जहाँ पर लिंक हमने लगाया है, ठीक है, फर्ज कर लो एक ये वेबसाइट है, एक ये, इस वेबसाइट ने अपना लिंक यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। जब यहाँ पर अपना लिंक लगाया है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक आएगी वो इस लिंक को क्लिक करेगी तो इधर आ जाएगी। अगर तो यहाँ इस लिंक पर क्लिक करने से जिस वेबसाइट ने लिंक लगाया है उस वेबसाइट पर हम पहुंच जाते हैं तो वो कौन सा होगा? डू फॉलो लिंक, ठीक है। अगर हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और उसी वेबसाइट का कोई और पेज ओपन हो जाता है, कोई एक न्यू वेबसाइट ओपन नहीं होती, आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट ने अपना लिंक दूसरी वेबसाइट के ऊपर लगाया, जहां पर लिंक लगाया वहां पर किसी बंदे ने आके क्लिक किया है तो इस जिस वेबसाइट ने लिंक लगाया है वो ओपन हो जाती है तो वो डू फॉलो लिंक होगा। अगर वो ओपन नहीं होती, उसी वेबसाइट का कोई और पेज ओपन हो जाता है तो वो नो फॉलो लिंक होगा। ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल क्लियर है। अब ये डू फॉलो और नो फॉलो कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी इस वीडियो की एंड में। आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ठीक है। अब आगे आ जाती है बात इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक की, ठीक है। अभी डू फॉलो नो फॉलो को आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये फर्ज कर लो हमारा हो गया। मीन के डू फॉलो का मतलब मैंने बताया, हमने एक वेबसाइट पर लिंक लगा, हमने क्लिक किया, एक नई वेबसाइट ओपन होगी, वो डू फॉलो है। अगर नई वेबसाइट ओपन नहीं हुई, उसी वेबसाइट का कोई और पेज, जैसे कि आपने कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस वाले पेज के ऊपर लिंक लगा होता है, जैसे आप कॉन्टैक्ट अस वाला पेज किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो वो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो जाता है, मीन के उसी वेबसाइट का एक और पेज ओपन हो जाता है, वो नो फॉलो लिंक्स होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्लाइंट हमेशा कहेगा कि डू फॉलो लिंक हो। क्लाइंट हमेशा क्या बोलेगा? डू फॉलो लिंक हो। वो डू फॉलो लिंक क्यों बोलेगा, ठीक है, वो डू फॉलो लिंक इसलिए बोलेगा, डू फॉलो लिंक होगा तो ही क्लाइंट की वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगी ना। मैंने बोला था ये वेबसाइट ए है, ये वेबसाइट बी है, इस वेबसाइट ने अपना जो लिंक यहाँ पर लगाया, लोग इधर आए, इस लिंक पर क्लिक किया, अगर तो लोग इस वेबसाइट के ऊपर चले गए क्लिक करके, क्योंकि इसने लिंक लगाया है, ठीक है, तो ये डू फॉलो लिंक है। डू फॉलो लिंक होगा तो ट्रैफिक जाएगी ना। अगर डू फॉलो लिंक नहीं होगा तो ट्रैफिक क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर कैसे जाएगी?
तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने हमेशा डू फॉलो जो लिंक वेबसाइट देखती है उनके साथ काम करना। अब इसको फाइंड करने के दो मेथड है, वो जब स्क्रीन शेयर में करूँगा तो वो मैं आपको लाजमी बताऊँगा, ठीक है। अब अगर बात कर लीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक की, अब ये वेबसाइट ए है, ये वेबसाइट बी है, ये वेबसाइट कोई और है, ये वेबसाइट कोई और है, ठीक है। दोनों वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट्स है। एक वेबसाइट जब दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करवाएगी या लिंक लगवाएगी तो वो एक्सटर्नल लिंक होगा। वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल लिंक। मीन के अगर आप मेरी बात समझे तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक लगवाती है या लिंक करती है अपनी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ तो वो एक्सटर्नल लिंक्स होंगे। वो कौन से होंगे? एक्सटर्नल लिंक्स। पर अगर एक वेबसाइट, जैसे कि मैंने नो फॉलो का बताया, एक वेबसाइट अपने ही किसी पेज के साथ लिंक करती है, मीन कि अपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक किया हुआ है, तो वो इंटरनल लिंकिंग होगी। मीन कि जो एक्सटर्नल लिंकिंग है वो वेबसाइट के आउटसाइड किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक होता है, पर इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो अपने ही किसी और पेज के साथ इंटरनल लिंक है। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी कि हम वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पर होम वाला पेज भी होता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वाला भी पेज होता है। जैसे हम कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन करते हैं, लिंक तो लगा हुआ है होम वाले पेज के ऊपर, लेकिन जैसे हम कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो जाता है। ये नो फॉलो लिंक्स भी होते हैं और इंटरनल लिंक्स भी यही होते हैं कि वेबसाइट का एक पेज दूसरे पेज के साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे डू फॉलो, नो फॉलो, इंटरनल और एक्सटर्नल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि डू फॉलो लिंक्स हम कैसे जज कर सकते हैं, इसके दो कौन से ऐसे मेथड है जिनके जरिए हमें पता चल जाए कि ये डू फॉलो लिंक्स है और ये नो फॉलो लिंक्स है, और हमने हमेशा ऐसी वेबसाइट के साथ काम करना जो डू फॉलो लिंक्स देती है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं हम स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि कैसे हमने इनको जज करना है। ये हमारी लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जो कि हमने वेबसाइट्स फाइंड की है, गेस्ट पोस्टिंग लिस्ट है, ठीक है। इनमें से मैं कोई भी एक वेबसाइट है उसको ओपन करता हूँ। ये एक वेबसाइट है, eklasblog.com, ये एक अच्छी वेबसाइट है, जर्नल वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना आर्टिकल पोस्ट है, ये जो आर्टिकल है ये इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट है। मैंने इनमें से एक आर्टिकल ओपन किया, न्यू टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। ये वही आर्टिकल मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए इस आर्टिकल में लिंक है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि क्लाइंट जब अपना आर्टिकल किसी वेबसाइट पर पोस्ट करेगा तो उसमें अपना लिंक लगाएगा, लिंक लगाएगा तो उसके ऊपर ट्रैफिक जाएगा ना उसकी वेबसाइट के ऊपर। जब तक वो अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक नहीं लगवाएगा तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे जाएगी? तो अब फर्ज कर लो कि इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अगर तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नई वेबसाइट ओपन, इस वेबसाइट का नेम मैंने क्या बताया था, eklasblog.com, इस वेबसाइट का नेम याद रख ले। अब इसका मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया। अब अगर तो मैं इस लिंक के ऊपर, आर्टिकल में मैंने एक लिंक लगा हुआ था उसके ऊपर आ चुका हूँ, अगर तो इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो वो डू फॉलो लिंक होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने आर्टिकल ओपन कर लिया, पहले एक वेबसाइट ओपन की, फिर उसका एक आर्टिकल ओपन कर लिया, आर्टिकल में लिंक लगा हुआ है, लिंक के ऊपर जैसे मैंने क्लिक करूंगा अगर तो एक नई वेबसाइट ओपन हुई तो वो डू फॉलो लिंक होगा, अगर इसी वेबसाइट का कोई और पेज ओपन हो गया तो वो नो फॉलो लिंक होगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपको क्लियर है? अब मैं इस पे क्लिक करने लगा, मैंने इस पे किया क्लिक। अब देखिए यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट ओपन हो गई है, swiggy.com के नाम से। अब जो ये जो वेबसाइट है ये eklasblog.com है और इसमें जो लिंक लगा हुआ था आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगा हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक नई वेबसाइट ओपन होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डू फॉलो लिंक है, ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए इसके एक और मेथड की, वो एक और मेथड है कि हमने लिंक के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके और सबसे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, सबसे नीचे किसका, इंस्पेक्ट का, ठीक है। आपको राइट साइड पर एक हाईलाइटेड एरिया ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, राइट साइड के ऊपर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है AHREF, आगे HTTPS वेबसाइट का नेम और आगे उसका जो आर्टिकल है उसका छोटा सा नेम है, फिर लिखा हुआ है टारगेट ब्लैक होम फूड डिलीवरी। बस होम फूड डिलीवरी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें लिंक लगा हुआ है, होम फूड डिलीवरी में ही लिंक लगा हुआ है ना। ये देखिए अगर लेफ्ट साइड पे देखे, मैं कर्सर लेके होम फूड डिलीवरी यहाँ पर लिंक लगा हुआ, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिंक लगा होम फूड डिलीवरी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इस जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ब्लू कलर की राइट साइड के ऊपर, अगर इस लाइन के अंदर
दो लाइनें आ रही हैं, अगर इस ब्लू हाइलाइटेड एरिया के अंदर कहीं पर भी नो फॉलो या नो रेफर लिखा हुआ, तो वो नो फॉलो लिंक होगा, अदरवाइज वो जो लिंक है डू फॉलो होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस हाइलाइटेड एरिया में अगर कहीं पर भी आपको नो फॉलो या नो रेफर लिखा होगा, तो वो नो फॉलो लिंक होगा, अदरवाइज वो डू फॉलो लिंक होगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी नो रेफर या नो फॉलो नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये डू फॉलो लिंक है, ये तो वैसे भी डू फॉलो है। वो कैसे, दो मेथड मैंने आपको समझाए हैं। पहला मेथड ये है कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर तो एक नई वेबसाइट ओपन होगी, अब ये नई वेबसाइट ये डू फॉलो है। दूसरा मेथड क्या है कि इसके ऊपर हमने जाना है, राइट क्लिक करना है, लिंक के ऊपर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, जो हाईलाइटेड एरिया कहीं पर भी अगर आपको नो फॉलो या नो रेफरल लिखा हो तो नो फॉलो, अदरवाइज ये डू फॉलो, इधर कहीं पर भी लिखा है, मीन कि ये दोनों मेथड से ये जो है ये डू फॉलो लिंक है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए।